राजस्थान में यही है घर पर लगाने का तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा बेचने का एक स्टॉल लगाया गया, उसी के अंतर्गत यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने रुपए का एक तिरंगा? 20 रुपए का एक झंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। राशन झंडा ना लो तो राशन ना मिले। अच्छा झंडा ना लो तो राशन ना मिले। और राशन राशन झंडे की पैसा फ्री है? पैसा 30 रुपए का झंडा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है यूपी का, जहां पर बीजेपी के नेता झंडा बेचकर पैसे कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर के जो अधिकारी है, जो नेता है, उनकी तरफ से आदेश आया है कि आप लोगों में झंडा बांटिए और उसका बिजनेस करिए। तो सोचिए किस तरीके के हालात है। ये बीजेपी ही है जो राष्ट्रीय ध्वज का भी कारोबार कर सकती है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जनता में फ्री में झंडे बांटे जाते, लेकिन यहां पर बीजेपी के जो नेता है वो पैसा कमा रहे हैं 20-20 रुपए का झंडा देकर। इसमें भी मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर, तो बीजेपी के जो नेता है वो आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं, लेकिन यहाँ तो खुशी का माहौल है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें तो अवसर बनना ही था। इसलिए अगर राष्ट्रीय ध्वज का किसी ने कारोबार किया है तो वो बीजेपी। इसके अलावा यूपी का एक और वीडियो आपने देखा, जिसमें यूपी में पहले था कि हरियाणा में बिना झंडा खरीदे राशन नहीं मिल रहा था, अब ये शख्स कह रहा है कि यूपी में भी राशन लेने पर, झंडा लेने पर ही राशन मिलेगा, अगर आप झंडा नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां कैसे हालात हैं। और ये दो वीडियो से आप तय कर सकते हैं कि बीजेपी के मन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति कितना सम्मान है। हालांकि वो बात अब अलग है कि अब आरएसएस को भी तिरंगा डीपी लगाने पर मजबूर होना पड़ा, उसको भी देशभक्ति साबित करने के लिए अपने दफ्तरों पर तिरंगा फहराने की जरूरत है। तो ऐसे हालात है कि आज बीजेपी जो है राष्ट्रीय ध्वज का भी कारोबार कर रही है। अब एक एक करके खबर बताता हूं, एक एक करके आपके लिए जो बड़ी खबर है वो दिखा देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना हुआ महंगा, आप समझिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, भाजपा सरकार में बीमा कंपनियां मालामाल, अन्नदाता बेहाल। 3 साल में प्रति एकड़ बीमा की प्रीमियम राशि बाजरा 316 से 348, गेहूं 385 से 425, धान 672 से 640, नरमा 1630 से 1798, किसानों पर कर्ज की मार और मित्रों को मुनाफा। तो देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वहां भी महंगाई बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार जो है लोगों को कह रही है कि हम अमृत काल में है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए आप हर घर पे जो है तिरंगा लगाइए, हर घर में तिरंगा। और उस पर लोग कह रहे हैं कि साहब उनके पास तिरंगा तो है लेकिन घर नहीं है, उसका क्या करेंगे। और ये आप वीडियो देखिए यूपी का, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, किसी के लिए देश का झंडा मान है और किसी के लिए बेचने का सामान, भाजपा ही हर बात पर दुकान लगाना बंद करें। तो हर चीज का ये कारोबार करना जानते हैं, चाहे धर्म हो, राष्ट्रभक्ति हो, हर चीज का ये जो है कारोबार कर सकते हैं। इनका वीडियो सुन लीजिए। जैसा कि सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर यही है घर पर लगाने का तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा बेचने का एक स्टॉल लगाया गया, उसी के अंतर्गत यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने रुपए का एक तिरंगा? 20 रुपए का एक झंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। तो सुना आपने, तो ऐसे हालात है, ये लोग जो है राष्ट्रध्वज को भी बेचने को तैयार है, और जब मौका आएगा तो ये भारत माता को भी बेच देंगे, दांव पर लगा देंगे। ये देखिए बिहार की ये वीडियो देखिए, जहां पर गिरिराज सिंह बीजेपी के सांसद मंत्री बैठे हुए हैं, उस पर एक शख्स जो है किस तरीके से तंज कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है कि साहब हम तो है ही सड़क छाप, अब आपको भी आना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार गिरी है, नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उससे वहां पर बीजेपी के सांसद प्रदर्शन पर हैं। इस शख्स ने जो है गिरिराज को देखा और उनको पकड़कर वीडियो बना डाली और कह दिया कि हम तो हैं सड़क छाप, आप भी आइए स्वागत है।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सनम हम तो है रोड छाप, आप भी सड़क पर आ गए। और ये देखिए, रामपुर के एक गांव में IAS IAS के नाम से कई धमकी भरे पत्र भेजे गए थे। पुलिस ने इस मामले में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक युवक अवधेश प्रताप सिंह उर्फ अभिषेक प्रताप को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इससे IAS में सफल होने और लेटरल एंट्री पाने के लिए चिट्ठी लिखने का षड्यंत्र रचा है। तो आप समझिए कैसे हालात हैं। लेटरल एंट्री के जरिए IAS बनना चाहता था ये शख्स। और ये वीडियो देखिए, झंडा नहीं लेंगे 20 रुपए का तो मुफ्त सरकारी राशन नहीं देंगे। ये वीडियो हापुड़ का सौरभ शुक्ला ने ट्वीट किया है, सुन लीजिए। झंडा राशन लेके दिया झंडा, जब कब दिया झंडा? बिना राशन के झंडा ना दे रहे, बिना राशन के झंडा ना दे रहे। राशन झंडा ना लो तो राशन ना मिले। और राशन झंडे की पैसा फ्री है? पैसा 30 रुपए का झंडा है। अच्छा, तभी राशन मिलेगा। अच्छा, तो सुना आपने किस तरीके से यूपी में अगर आपको राशन लेना पड़ेगा तो आपको झंडा खरीदना पड़ेगा, भले उनका पेट ना भरे लेकिन उनको झंडा जरूर खरीदना पड़ेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी आज जो है वो काले धन की बजाय काले जादू की बात करते हैं। उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो सुन लीजिए। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, मेरा विरोध इस बात का है। तो सुना आपने, मोदी जी के पहले ऐसे तेवर होते थे लेकिन आज वो सारा दोष अपोजिशन पर मर देते हैं, उन्हीं को दोष देते हैं। और EDI CBI जो है सारा वो अपोजिशन नेताओं पर छापेमारी करती है, जबकि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री विधायक MLA उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक भी विधायक MLA इनका कोई पकड़ा नहीं जाता। और जितना भी EDI CBI का जो IT का छापेमारी होती है वो सब ओपोजिशन के खिलाफ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले CM रहते हुए मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जंग छेड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो कानून बनाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में आए तो सारी दौलत अडानी अंबानी को दे दिए। आज उनको दुनिया का सबसे नंबर वन आदमी बनाने पर तुले हुए हैं। और ये वीडियो देखिए, ये पोस्टर यूपी से यूपी के फिरोजाबाद का वायरल हो रहा है, जहां पर तिरंगा यात्रा का, हर घर तिरंगा अभियान का बैनर लगा हुआ था जिसमें मोदी और योगी जी हैं। लेकिन यहां पर योगी जी के जो है वो चेहरे को फाड़ दिया गया है, इस पर अब कार्रवाई हो रही है। तो यूपी में ऐसे हालात हैं। और ये देखिए मोदी जी का करप्शन वाला वीडियो, जहां भी काला धन पड़ा है हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हैवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन करेंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे, लेकिन जितना भी काला धन है वो वापस लेकर आएंगे और वो काला धन हम गरीबों में बांटेंगे, जिसमें ये कहा था कि हर गरीब को 15 लाख रुपए मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज जो है वो सब मजाक बन के रह गया। उसको आज प्रधानमंत्री के मुंह से काले धन का नहीं निकलता है, महंगाई का मां नहीं निकलता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, पत्रकार से मिलने तक की इनमें हिम्मत नहीं है, किसी भी ईमानदार पत्रकार से। हालांकि जो चाटुकार पत्रकार है जो इनसे टॉनिक लेने का सवाल करते हैं उनसे ये आज भी लगातार मिलते हैं, जो प्री प्लान स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं वो देते रहते हैं। और ये देखिए, भक्त जो है इतने चुड़े हुए हैं कि वो लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रहे हैं, यानी कि हॉल के बाहर जाकर भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग लाल सिंह चड्ढा मत देखिए। तो इनकी जो नफरत भरी राजनीति है वो अभी भी चालू है, जबकि इनको नहीं पता सिर्फ आमिर खान के खान होने से इनको मिर्ची लगती है, जबकि उसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, तमाम जो एम्प्लॉयज है वो तमाम हिंदू है, लेकिन इनको सिर्फ दिक्कत आमिर खान के नाम से है। तो ये भी वीडियो है, इस वीडियो को सुन लीजिए। जो भी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए सब उसका बहिष्कार कीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आए सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट खरीदिए। तो सुना आपने, लगातार जो है भक्तगण हो
लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है कि लाल सिंह चड्ढा ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, जिसके चलते इनको मिर्ची लगी हुई है। और अब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है मध्य प्रदेश के शाजापुर का, जहां पर कल जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और इस तिरंगा यात्रा में आप भीड़ देख सकते हैं कि कितने लोग जमा हुए हैं और सबके हाथों में तिरंगा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज लोगों को हुब्बल वतनी जो है कदम कदम पर साबित करनी पड़ रही है, कदम कदम पर ये दिखाना पड़ता है कि हम जो है राष्ट्रभक्त हैं। जबकि जो राष्ट्रभक्ति है वो दिल से आती है, अंदर से आती है, वो जोर जबरदस्ती किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है। खैर चलिए ठीक है, ये भी देख लीजिए, एक और वीडियो है शाहजहांपुर का, जहां पर कल जुमे के बाद जो है मुसलमानों ने भारी मात्रा में बाहर निकले और तिरंगा यात्रा निकाली और जो है आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। तो ये भी मोदी जी के अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। जो मुसलमान हैं वो लगातार भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं। अब तो आरएसएस भी तिरंगा लगाने लगी है, तो तिरंगा लगाना और उसको फिराना उससे ये साबित नहीं हो जाता है कि आप असली राष्ट्रभक्त हैं। असली राष्ट्रभक्त वो है जो देश हित में काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करे। अगर आप ध्रुव सक्सेना याद है, वो भी जो है बीजेपी सबसे राष्ट्रीय हित पार्टी का जो है मेंबर था बीजेपी का, लेकिन क्या करता था वो पाकिस्तान की आईएसआई को भारत की जानकारी देता था। तो हाथ में तिरंगा लेने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता, बल्कि देश के लिए काम करने से राष्ट्रभक्त होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, और जो गरीब है मजदूर है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करते, उनके लिए अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देते, उनके लिए स्कूल देते, उनके लिए शिक्षा देते। लेकिन आज उन्होंने जो है भारतवासियों को राष्ट्रभक्त की चाशनी में डुबो रखा है, जिससे अंधभक्तों खासकर भक्तों को जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, आर्थिक मंदी आई हुई है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत कभी भी श्रीलंका बन सकता है। लेकिन ठीक है, हम अमृत काल में है तो उसका अमृत काल का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।